गाइस अगर आपको लोन की जरूरत है तो गाइस मैं आप लोगों में ऐसे एक लोन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन में जैसे कि आपने लोन के लिए अप्लाई करोगे तो तुरंत आप लोगों को जो ना लोन अप्रूवल मिल जाता है। इस एप्लीकेशन में आप लोगों को जो लोन रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तुरंत आप लोगों को लोन के लिए अप्रूवल दिया जाता है। और इस एप्लीकेशन से मैंने खुद लोन को ले रखा हूँ। और गाइस सिंपल देखिए, जैसे कि आपका लोन अप्रूवल मिल जाता है तो गाइस सिंपल आपका लोन अमाउंट अब तुरंत आप स्कैन करके अपना बैंक अकाउंट पे ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन में मैंने खुद लोन को ले रखा हूँ, बहुत आसान तरीके से ऐसे अप्रूवल मिल जाता है। सो गाइस ये जो एप्लीकेशन का नेम है, इसका नेम है रिंग एप्लीकेशन। देखिए मेरा जितने भी फ्रेंड लोगों को मैं इस लोन एप्लीकेशन से मैं लोन के लिए अप्लाई किया हूँ, किसी का भी जो रिजेक्ट नहीं हुआ, सबका लोन अप्रूवल मिल गया। तो चलिए आज के इस वीडियो पे सीखते हैं किस प्रकार से जो ना ऋण एप्लीकेशन की मदद से कैसे लोन को लिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन से लोन को लेने के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे कि आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करोगे, सिंपल सर्च बार पे लिखना है RING रिंग एप्लीकेशन, आप लोगों को सर्च करना है। चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप इस एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर करोगे। सबसे फर्स्ट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को जो है 30,000 तक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। उसके बाद सिंपल देख सकते स्कैन एंड पे बाय नाउ पे लेटर, यानी कि आपको जो भी लिमिट मिलेगा कोई भी क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके आप जना पैसा को सेंड कर सकते हो। समझ लो आपको 20,000 या तो 30,000 आप लोगों को लिमिट मिल गया, तो गाइस देखिए कोई भी क्यूआर कोड में अगर आपने स्कैन करके पेमेंट सेंड करोगे तो बहुत आसान तरीके से पेमेंट सेंड हो जाता है। मैंने खुद जो ना पेमेंट को सेंड किया हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चले मैं आप लोगों को थोड़ा आगे इन्फॉर्मेशन बता दे। देखिए यहाँ पे इनका जो ना यहाँ पे ऑफर वगैरह भी चलता रहता है। तो गाइस सिंपल देखिए ऐप पे जो ना कुछ बेसिक से यहाँ पे डिटेल भरना होता है, बेसिक से डिटेल, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम देना है, आपका देखिए लास्ट नेम देना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, आपको एक जीमेल आईडी देना होता है, उसके बाद सिंपल आपका पैन कार्ड नंबर देना है, उसके बाद सिंपल मेल फीमेल आप जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिंपल आपका पैन कार्ड के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ है सिंपल डेट ऑफ बर्थ को देना है, उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने का सिंपल देखिए पे पेपर लेस डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, पेपर लेस होगा जो भी होगा। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, केवाईसी आप लोगों को कंप्लीट करना होता है। केवाईसी किस प्रकार से कंप्लीट करोगे, आपका आधार नंबर देना है, आपका आधार नंबर देना है, आपका आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को देने के बाद सिंपल यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि कंटिन्यू कर दोगे उसके बाद सिंपल आपको जो है लिमिट बताया जाएगा कि आपको कितना लिमिट मिला हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि मैं रिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। तो गाइस अब देख सकते हो मुझे जो यहाँ पे 2,000 रुपये का मुझे लिमिट यहाँ पे दिया गया है। देखिए इससे ज़्यादा भी आप लोगों को दे सकता है, इससे कम भी आप लोगों को मिल सकता है। तो गाइस अब देख सकते हो यहाँ पे 2,000 रुपये का मुझे लिमिट यहाँ पे मिला हुआ है। तो गाइस देखिए आप ये बोलोगे इसमें 2,000 का लिमिट मिला है, उसके बाद से देखिए 2,000 रुपये का जो जैसे कि मुझे लिमिट मिला हुआ था, तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने ये चेक करा था कि इस एप्लीकेशन के थ्रू मुझे जो 2,000 का लिमिट दिया गया है क्या मैं मेरा बैंक अकाउंट पे ले सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, अब देख सकते हो एकदम आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। सिम में देखिए जैसे 500 रुपीस में विड्रॉ कर लिया स्कैन करके, तो देखिए स्कैन करके जैसे कि विड्रॉ किया तो सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर जो है इनका 500 रुपीस फिर मैंने दोबारा रीपेमेंट कर दिया वो। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर दोबारा जो है 2,000 रुपीस में फिर दोबारा विड्रॉ किया, फिर मैंने रीपेमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा था कि इनका पेमेंट पूरा फुल में ले पाऊंगा। तो जैसे कि मैं ट्राई किया, जैसे कि मैं स्कैन पे क्लिक किया, देखिए पे स्कैन एंड पे, जैसे कि आपने स्कैन पे क्लिक करोगे आपका सामने देखिए स्कैन एंड क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो कहते हैं कोई भी क्यूआर कोड के थ्रू आप जो ना पेमेंट कर सकते हो, कोई भी क्यूआर कोड यानी कि उनका सामने लेके जाओ, फटाफट अमाउंट डालो, पेमेंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सो कहते हैं कि इसमें शायद आप लोगों को कम लिमिट देखने को मिल रहा होगा, मेरा आपका केसेस में ज़्यादा भी लिमिट हो सकता है। और देखिए इनका लिमिट आप लोगों को इनक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे जो ना मैं 2,000 रुपये का समझ लो मैं विड्रॉ कर लिया हूँ, तो कैसे मुझे यहाँ पे टाइमिंग बताया जाएगा इस टाइम के अंदर आप लोगों को पे करना है। तो कहते देखिए जैसे कि आपने इनका टाइम टू टाइम लोन को पे करोगे तो कैसे आपको जो लिमिट इंक्रीज हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो कैसे सिंपल आप जो रिंग एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत आसान तरीके से घर बैठे बैठे आप जो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में जो भी लोग लोन के लिए अप्लाई करता है
किसी को जो है ना पे रिजेक्ट नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ अमाउंट का लोन मिल जाता है। 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, 500 टू 200 तो भी आप लोगों को मिल जाता है, फिर रिजेक्ट नहीं किया जाता है ऐसे। तो जब अगर आपको चाहिए लोन के लिए ज़रूरत है तो आप बहुत आसान तरीके से अपना मोबाइल फ़ोन से बेसिक से डिटेल भर के आप जो ना ऋण एप्लीकेशन की मदद से आप लोन को ले सकते हो। जेन्युइन और सिक्योर एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर भी है। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप रिंग एप्लीकेशन की मदद से कैसे आप लोन के अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे।